हेलो एवरीवन, आई एम ऋचा तापड़िया एंड आई एम बैक विथ माय सेकंड पार्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, नाउ वी आर स्टडिंग द सेकंड पार्ट, राइट। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था बिजनेस फाइनेंस क्या है, उसके इंपॉर्टेंस देखे थे, उसकी नीड्स देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, और फिर हमने ओनर्स फंड के लिए पढ़ा था कि ओनर्स फंड में क्या क्या है। उसमें हमने इक्विटी शेयर्स देखा, उसमें हमने रिटेन प्रॉफिट्स देखा, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रिफरेंस शेयर्स। थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेज हमने ये सब देखे थे, किसके अंदर? ओनर्स फंड के अंदर। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी स्टडी नाउ दी बोरोड फंड। ठीक है, अब हम देखेंगे बोरोड फंड के सोर्सेज क्या है। अब बोरोड फंड होता क्या है बेटा? जब हम बात करते हैं कि हम बाहर से, हम आउटसाइडर से पैसा लेके आते हैं, जब कंपनी को नीड है पैसों की, तो कंपनी क्या करेगी? बाहर से बोरो करेगी। बोरो करना मतलब पैसा लेना, उधार पे हम जब बोलते हैं, बैंक से पैसा लेके आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होंगे जो हम देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा बोरोड फंड में जो टॉपिक है वो है डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या होता है वो तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमारे लिए न्यू वर्ड है। क्या है डिबेंचर्स? देखो, जैसे हम बोलते हैं, हमने इक्विटी शेयर्स पढ़े, राइट, हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा। जो जैसे हमने देखा कि शेयर्स कंपनी इशू करती है, क्यों इशू करती है? जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है, जब उन्हें फंड की जरूरत होती है। तो वैसे ही बेटा डिबेंचर्स होता है। क्या होता है डिबेंचर्स? डिबेंचर्स भी एक टाइप ऑफ सर्टिफिकेट होता है। जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा, शेयर्स में भी हमने देखा सर्टिफिकेट होता है। अब इसके अंदर भी क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है। एक डिबेंचर एक टाइप ऑफ सर्टिफिकेट होता है। जब कंपनी को पैसों की और जरूरत होती है तो वो क्या इशू करती है? ये सर्टिफिकेट इशू कर देगी, मींस डिबेंचर्स इशू कर देगी। अब आप बोलोगे, मैम इक्विटी शेयर्स भी तो इशू कर सकती है क्योंकि उससे भी हमें पैसा मिलता है, तो डिबेंचर्स क्यों इशू कर रही है? तो बेटा, बार बार में पैसों की जरूरत पड़ सकती है कंपनी को, राइट। कंपनी को तो जरूरत पड़ने वाली है पैसों की, अभी स्टार्ट किया, आगे कंटिन्यू करना है और ग्रोथ करना है और एक्सपांशन करना है, तो क्या होगा? आगे आगे बिजनेस में कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी। तो क्या ऐसा है एक महीने बाद वापस इक्विटी शेयर इशू कर दिया, उसके बाद वापस जरूरत पड़ी फिर इक्विटी शेयर इशू कर दिया? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी आपको ये बताया था पार्ट वन के अंदर कि इक्विटी शेयर्स क्या है? ओनर्स है कंपनी के। तो क्या कंपनी क्या यही इशू करती रहेगी और अपनी ओर से ओनर्स इंक्रीज करती रहेगी? नहीं, कंपनी को भी लिमिटेड ओनर्स चाहिए। आप खुद सोचो, ओनर्स अगर इंक्रीज होते गए तो क्या होगा? डिविडेंड ज्यादा बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट तो पूरा ऐसे ही चला जाएगा और हर शेयर होल्डर को लिमिटेड डिविडेंड चला जाएगा। मतलब अगर कंपनी कितना भी प्रॉफिट अर्न कर ले, हम बोलेंगे कि शेयर होल्डर्स को तो कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, उनको तो लिमिटेड डिविडेंड ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये चीज होगी नहीं ना। इसीलिए बेटा कंपनी क्या करेगी, एक लिमिटेड ओनर्स रखेगी अपने पास, ऐसे नहीं अनलिमिटेड इंक्रीज करती जाएगी। तो उस केस में जब कंपनी को और पैसों की जरूरत है तो इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करेगी, प्रिफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेगी, क्योंकि प्रिफरेंस शेयर्स भी पार्शियल ओनर्स तो होते ही है, राइट। पूरे 100% ओनर्स नहीं है, बट उनको भी कुछ राइट्स है, तो वो भी हम बोल सकते हैं पार्शियल ओनर्स है। इसीलिए कंपनी को और एडिशनल फंड चाहिए तो वो क्या करेगी? वो इश्यू करेगी डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक ऐसा टर्म है बेटा, एक ऐसा सोर्स है जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल सकता है। इस केस के अंदर डिबेंचर्स, जब भी कंपनी को फंड की जरूरत है तो डिबेंचर्स इशू कर देगी, राइट। अब जैसे मैं कंपनी हूं, मुझे पैसा चाहिए, तो मैंने क्या किया? डिबेंचर्स इशू कर दिया। अब सामने वाला डिबेंचर होल्डर है, वो मुझे पैसा क्यों देगा? ठीक है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं वैसे ही है, ऐसे ही समझो आप, ये बैंक से हम जब लोन लेते हैं वैसे ही काइंड ऑफ लोन है। डिबेंचर्स इज अ टाइप ऑफ लोन, ये एक लोन है। बस ये क्या है, मैं बैंक से नहीं लेके क्या कर रही हूँ यहाँ पे? डिबेंचर्स इश्यू कर रही हूँ, लोगों से पैसा ले रही हूँ, आई चीज समझ। तो डिबेंचर्स क्या है? एक सर्टिफिकेट है, मुझे अगर पैसों की जरूरत है मैंने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए। तो जब भी कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत है तो डिबेंचर्स इशू कर देगी कंपनी। बट कोई भी मेरे यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेगा, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? उसको भी तो कुछ चाहिएगा, क्या वो ऐसे ही मुझे पैसे दे देगा? नहीं, तो उसे भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी। वो मुझे अगर पैसा दे रहे हैं तो मैं उनको क्या दूंगी उसके बदले में? इंटरेस्ट। उनको एक फिक्स्ड अमाउंट का बेटा इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही अगर कंपनी है, मैं कंपनी हूं, मैंने उनसे पैसा लिया है,
तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे उन्हें ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो या नहीं कर रही हो, मुझे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे हमने शेयर्स में क्या पढ़ा कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो डिविडेंड देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो ये प्रॉफिट है शेयर्स के अंदर कि अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आप लोन ले रहे हो, आप डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो बाहर के लोगों को, आउटसाइडर्स को, तो उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नो मैटर्स कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिबेंचर्स। आई थिंक क्लियर हो गया सबको कि डिबेंचर्स क्या होता है, राइट? डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट है। जब भी कंपनी को एडिशनल फंड्स की जरूरत होती है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो कंपनी ये डिबेंचर्स इशू कर देती है आउटसाइडर्स को। और आउटसाइडर्स को क्या देती है इसके बदले में, इसके बदले में उनको फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, सो नाउ वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने मीनिंग देख लिया, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी बेटा क्या हुआ, क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं हम? क्रेडिटर्स मतलब मुझे जिसे पेमेंट करना है, राइट? क्रेडिटर्स मतलब कंपनी ने पैसे लिए, अब कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है ना वापस, तो वो क्या हो गया, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है कि हाँ 10 साल बाद मैं इन्हें पेमेंट वापस कर दूंगा या 20 साल बाद वापस कर दूंगा, तो वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए वो क्रेडिटर्स हो चुके हैं कि कंपनी को 10 साल बाद यहाँ पे फिक्स टर्म रहेगा, 10 इयर्स के बाद मुझे उन्हें पैसा अपना पूरा चुकाना पड़ेगा। 10 लाख मैंने लिए, मुझे 10 लाख का पेमेंट करना है, दैट इज द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने आपको समझाया कि मुझे ईयरली बेस पे उन्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना भी अमाउंट हो रहा है इंटरेस्ट का, 50,000, 60,000 जो भी है, मुझे ईयर बेस पे 50,000 का अमाउंट उन्हें देना है, मींस देना है। इसमें आपको कुछ कंसेशन नहीं मिलेगा कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है कंपनी तो आधा दे दो, नहीं, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज चार्ज ऑन असेट्स। चार्ज ऑन असेट्स बेटा क्या होता है, अब मैंने डिबेंचर्स इशू कर दिए, ठीक है, तो अब जो मेरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स मुझे पैसा दे रहे, उन लोगों को अगर भरोसा नहीं है कंपनी पे, उन्हें रिस्क है, उन्हें डर है यार कंपनी डूब गई तो मेरा पैसा वापस नहीं आया, तो इस टाइम पे अगर उन्हें कोई ऐसा रिस्क है तो उस केस में वो बोल सकते हैं मेरे को कि हमें आपके कुछ असेट्स रखने हैं एज अ सिक्योरिटी, कि अगर आप हमें पैसा नहीं चुका पाए तो हम आपके ये असेट्स को सेल करके पैसा रिकवर कर लेंगे। जैसे हमने शेयर्स में देखा, ऐसा कुछ नहीं होता है शेयर्स में, सिक्योरिटी जैसा कुछ नहीं होता है, बट डिबेंचर्स में होता है, क्योंकि ये कौन है, आउटसाइडर्स है। देखो मैं बार बार ये कंपेयर करवा रही हूँ कि शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंसेस, ठीक है। तो डिबेंचर्स को हमें क्या करना पड़ता है, हम जब इशू करते हैं उस केस में जिन्हें हम इशू करते हैं, अगर उन्हें रिस्क है तो वो बोल देंगे कि हमें आपका कुछ असेट्स मॉर्गेज पे सिक्योरिटी पे रखना है। बट ऐसा नहीं है, अगर मैंने उन्हें सिक्योरिटी पे दे दिया कोई असेट तो मैं वो असेट को यूज नहीं कर सकती, ऐसा फिक्स्ड चार्ज नहीं होता इस पे। मैंने अगर, ठीक है, मैंने डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए असेट, बट ऐसा नहीं है वो मेरे बिजनेस में ही रहेगा असेट, मैं जब चाहूं उसे यूज कर सकती हूँ। बट ये प्रॉब्लम कब आएगी, 10 साल बाद अगर मैंने उन्हें पैसा नहीं दिया तो मेरे असेट लेके चले जाएंगे, बेच देंगे और पैसा कमा लेंगे। ये इसीलिए है, ऐसा नहीं है कि मैंने मशीन को दिया तो मशीन अपने घर लेके चले गए, ऐसा नहीं होगा इस केस में, ठीक है। असेट्स मेरे पास ही रहेगी, प्रॉब्लम आएगी आफ्टर 10 इयर्स अगर मैंने रिपेमेंट नहीं किया। और बेटा ये कंपल्शन नहीं है चार्ज ऑन असेट्स, जब डिबेंचर होल्डर्स को इश्यू लगेगा तो वो असेट्स को सिक्योरिटी पे रखेगी, जब नहीं लगेगा, कंपनी अच्छे पोजीशन पे है, उनको पता है कि ये कंपनी तो पैसा दे ही देगी, तो उस केस के अंदर कोई चार्ज ऑन असेट्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंपल्शन नहीं है, राइट। देन फोर्थ पॉइंट, नेसेसिटी। नेसेसिटी जब हम बोलते हैं कंपनी को रिक्वायरमेंट है फंड की, तो ये क्या है, हमारे लिए नेसेसिटी है कि हम डिबेंचर्स को इश्यू करेंगे और हमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फंड जो भी चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो ये हमें अराइज हो जाता है फंड जब भी हमें जरूरत है, हमें जब भी नेसेसिटी है तो हमें ये फंड हम अराइज कर सकते हैं। Then registration at stock exchange. Registration stock exchange बेटा ये क्या है? जैसे हमने देखा shares,
शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं. स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर एक्सचेंज जो हम बोलते हैं, शेयर मार्केट जो होता है. तो वहीं पे क्या होता है कि डिबेंचर्स भी लिस्टेड किए जाते हैं, ये डिबेंचर्स भी वहां रजिस्टर्ड होते हैं. देन सिक्स्थ वन इज रिपेमेंट. अब रिपेमेंट में हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा आफ्टर 10 ईयर्स मुझे रिपे करना है तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे रिपेमेंट करना ही पड़ेगा आफ्टर 10 ईयर्स. एंड लास्ट वन दैट इज फर्स्ट प्रिफरेंस ऑफ पेमेंट. फर्स्ट प्रिफरेंस ऑफ पेमेंट मतलब जैसे अगर शेयर्स वगैरह है तो हमने जब शेयर्स इशू किए तो उस केस के अंदर क्या होता है कि पहले इंटरेस्ट आउटसाइडर्स को दिया जाता है, उसके बाद डिविडेंड प्रिफरेंस को दिया जाता है, और फिर बचता है तो इक्विटी को दे दो. लेकिन इन लोगों को क्या होगा, फर्स्ट प्रिफरेंस मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये आउटसाइडर्स है, इन्हें हमें सबसे पहले पैसा देना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इंटरेस्ट का भी अमाउंट देना पड़ेगा, और अगर कंपनी डिसॉल्व हो रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो उस केस में भी सबसे पहले पैसा किसको जाता है, आउटसाइडर्स को. तो ये आउटसाइडर्स ही हो गए, हमने थर्ड पार्टी से पैसा लिया है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैसा इनको देना पड़ेगा, उसके बाद प्रिफरेंस का नंबर आएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स का नंबर. क्लियर है बेटा? तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई, दैट इज क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, चार्ज ऑन असेट्स, नेसेसिटी, रजिस्ट्रेशन, रिपेमेंट एंड फर्स्ट प्रिफरेंस ऑफ पेमेंट. क्लियर है? अब इसके अंदर भी हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है जो आपको लर्न करने के लिए याद रहेगा. ठीक है, ये आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना है. दिस इज ओनली फॉर स्कोरिंग द मार्क्स. ओके, देखो इसके अंदर हमने एक सेंटेंस बनाया है, दैट इज आर आर असेट. आर आर जो बाइक है उसका मैंने यहाँ पे लिया है. आर आर असेट से सीसीडी जाके फिक्स्ड रेट पे अपनी नेसेसिटी के लिए पेमेंट दिया. ठीक है, आर आर असेट जो आर आर है वो होगा, वो डिटरमाइन क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन एंड रिपेमेंट, टू पॉइंट्स कवर इन आर आर. असेट का ऑलरेडी हमें है चार्ज ऑन असेट, वो इसके अंदर हो जाएगा. से सीसीडी, सीसीडी में जो सीसी है वो हो जाएगा क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी. फिक्स्ड रेट पे अपना जो पॉइंट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपनी नेसेसिटी, नेसेसिटी के लिए भी अपना पॉइंट कवर हो जाएगा, के लिए पेमेंट किया. पेमेंट कवर्स फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर पेमेंट. ओके, सो ये मुझे इजी लगा, मैंने बहुत कोशिश की इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए. अगर आप लोगों को और इजी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करना मुझे कि अगर आपको ये और हार्ड लग रहा है, इसे और सिंपल करना है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट. ओके, सो आर आर असेट से सीसीडी जाके फिक्स्ड रेट पे अपनी नेसेसिटी के लिए पेमेंट किया. क्लियर है बेटा? सो राइट डाउन दिस. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. We have read about the debentures, characteristics and now types of debenture. अब देखो इसके भी different types है, जैसे हमने equity shares में पढ़ा, तो types तो इसमें भी है. क्या types है इसमें? First one is secured debentures. क्या होता है secured debentures? जैसे मैंने characteristics में आपको बताया, secured debentures मतलब कि जिसके ऊपर क्या होगा, assets को mortgage पे रखा जाएगा. डिबेंचर होल्डर्स ने कहा हमें तो डर लग रहा है, आप पैसा दोगे या नहीं दोगे, आपके असेट हमें मॉर्गेज पे रख दो, हमें सिक्योरिटी पे रख दो. तो उस केस के अंदर उसे क्या बोला जाएगा बेटा, सिक्योर डिबेंचर्स. मैंने सिक्योरिटी पे डिबेंचर्स को इश्यू किया. सिक्योर से ही समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी जब मैं ये डिबेंचर्स इश्यू कर रही हूं. आई समझ में? जब हम सिक्योर डिबेंचर्स इश्यू करेंगे हमें सिक्योरिटी पे असेट्स को रखना पड़ेगा. ओके, देन नेक्स्ट वन, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है? कन्वर्टेबल समझ में आ रहा है, कन्वर्ट करना. कन्वर्टेबल मीन्स कन्वर्ट करना. किसको कन्वर्ट करेंगे? ऑब्वियसली डिबेंचर्स को. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ना, तो डिबेंचर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? और किसमें करेंगे कन्वर्ट, किसमें करेंगे? तो इसमें ऐसा होता है बेटा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जब कंपनी इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन रहता है. मैंने कहा 10 साल के बाद, 10 साल के लिए मैंने डिबेंचर्स इशू किए, तो अब 10 साल के बाद मुझे रिपेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर्स को, तो उस टाइम पे उनके पास ये ऑप्शन है. वो क्या बोलेंगे, नहीं हमें डिबेंचर्स का पेमेंट मत करो, हमें इसके बदले आप शेयर्स दे दो. क्या बोलेंगे, इसके बदले हमें शेयर्स दे दो. तो मैं क्या करूंगी, पैसा नहीं दूंगी, मैं क्या बोलूंगी, ठीक है आप शेयर्स दे दो, तो मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे कंपनी के. क्लियर? तो ये क्या हो गया, वो डिबेंचर होल्डर से क्या हो गए, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए. सो इसे बोला जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. क्लियर?
देन लास्ट वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. नॉन कन्वर्टेबल में क्या होगा, हम कन्वर्ट का ऑप्शन ही नहीं दे रहे उनको. 10 साल बाद के बाद मुझे पेमेंट करना है. आफ्टर 10 ईयर्स मैं उन्हें पेमेंट कर दूंगी. 10 लाख का था पेमेंट, कर दिया. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि हमें शेयर्स में कन्वर्ट करवाना है. दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो ये 3 टाइप के हमने डिबेंचर्स देखे, दैट इज सिक्योर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड्स. अब बॉन्ड्स क्या होता है, जैसे हमने डिबेंचर्स देखा टाइप ऑफ लोन होता है, वैसे ही बेटा ये क्या होता है, बॉन्ड भी टाइप ऑफ लोन होता है. बट जनरली जो बॉन्ड होता है वो कौन इशू करता है, ये गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है. जब गवर्नमेंट कंपनीज को लोन की, पैसों की, फंड की जरूरत होती है तो वो क्या इशू कर देती है, बॉन्ड इशू कर देती है. बॉन्ड भी एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है. बॉन्ड इशू कर दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का कुछ मोटिव होता है कि यार हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि यार हमें पैसों की जरूरत है, हम बॉन्ड इशू कर देते हैं. बॉन्ड इशू किया, पैसा अराइज कर लिया, पैसा मिल गया. अब इस पे भी, बॉन्ड पे भी क्या करना पड़ता है, बॉन्ड पे भी कंपनीज को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. बट बॉन्ड पे क्या हो गया, जब मैच्योरिटी टाइम है उसके साथ वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड बॉन्ड. ठीक है, तो डिबेंचर्स बॉन्ड्स दोनों टाइप ऑफ लोन है. बट हम बोलते हैं कि डिबेंचर्स जो है वो जनरली पब्लिक कंपनीज इशू करती है, और जो बॉन्ड्स है वो जनरली कौन इशू करता है, गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है. ओके, देन नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट्स. अब पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, पब्लिक डिपॉजिट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पब्लिक, पब्लिक मतलब लोग, ठीक है. डिपॉजिट्स मतलब, डिपॉजिट्स मतलब जब हम उनसे पैसा लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं बैंक में डिपॉजिट्स करके आते हैं पैसा, राइट. हम लोग भी जाते हैं, हम लोग की सेविंग्स होती है तो हम बोलते हैं कि यार बैंक में हम डिपॉजिट करा के आ जाते हैं, यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा वहां, है ना. तो वैसे ही बेटा ये होता है, कंपनीज को जब पैसों की जरूरत होती है, जब छोटे मोटे पैसों की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो लोग पब्लिक डिपॉजिट्स कॉल करते हैं. अब ये कैसे, लोगों को कैसे पता चलेगा पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में कि कंपनी को पैसा चाहिए, कैसे पता चलेगा. तो वो कंपनी क्या करेगी, अनाउंस करती है. वो क्या करती है, पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टीवी पे, रेडियो पे, कहीं भी वो क्या कर सकती है, अनाउंस कर सकती है कि हमें पैसों की जरूरत है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए. जनरली फॉर 3 ईयर्स के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स इशू हो सकते हैं. उस केस के अंदर जब भी पब्लिक लोगों को लगेगा कि हाँ हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें यहाँ कंपनी में पैसा डिपॉजिट करना चाहिए, तो उस केस में कंपनी को पैसा मिल जाएगा. इस केस में भी क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, उन्हें इंटरेस्ट देगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा. अगर बोलेंगे हम लोग बैंक में नहीं डिपॉजिट करके कंपनी में कर रहे हैं, तो क्यों करेंगे, कुछ आप दोगे जब ही करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी कर देंगे. तो वैसे ही यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे करना होगा. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कुछ पब्लिक डिपॉजिट्स के कुछ एडवांटेजेस है. ठीक है, हमने देखे सब सोर्सेज में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस, कुछ ना कुछ आपको लिमिटेशंस मिलेगी. तो एडवांटेजेस इसके अंदर क्या है, दैट इज फर्स्ट वन, इजी टू रिसीव फाइनेंस. इजी टू रिसीव फाइनेंस मतलब तुम सोचो कोई कंपनी जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या पब्लिक वहां पे देने से पैसा डरेगी, क्या उन्हें कोई रिस्क होगा कि यार ये कंपनी पैसे देगी या नहीं वापस, मेरा इंटरेस्ट देगी या नहीं वापस. नहीं, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है. तो इसीलिए हम बोलेंगे ये एक तरीके का एडवांटेज है, इजी टू रिसीव फाइनेंस. जब भी कंपनी को जरूरत पड़ती है, अच्छा पैसा कमा रही है, तो उस केस के अंदर क्या करेगी कंपनी, कभी भी पब्लिक डिपॉजिट अनाउंस कर सकती है, और इससे क्या होगा, इजी टू रिसीव फाइनेंस, कभी भी पैसा अपने अकॉर्डिंग इजिली वो ले सकती है. देन सेकेंड वन, लेस एक्सपेंस इन रिसीविंग फाइनेंस. लेस एक्सपेंस मतलब बेटा यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, हम बोलते हैं डिबेंचर्स में भी इंटरेस्ट दिया जाता है, बट कंपैरेटिवली जब पब्लिक फाइनेंस होता है तो उस केस के अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम दिया जाता है, इसीलिए बोला जाता है ये लेस एक्सपेंस है. ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, एडवांटेज हो गया फॉर कंपनी. तो इसके अंदर हम बोलते हैं खर्चा कम होता है, लेस एक्सपेंस होता है. देन असेट्स डू नॉट हैव चार्ज. असेट डू नॉट हैव चार्ज मतलब जो हम पढ़ते हैं कि सिक्योरिटी पे रखते हैं, तो इस केस में कोई भी असेट चार्ज नहीं करना पड़ेगा. आप सोचो पब्लिक डिपॉजिट इतनी पब्लिक है, सब डिपॉजिट्स करेंगे, क्या सब मेरे असेट को चार्ज पे रख देंगे, नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं. इतने लोग हैं यहाँ पे, लोग मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, सबको मैं बोल दूं हाँ भाई असेट्स पे ले जा, असेट मॉर्गेज पे रख दे, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा. तो इसीलिए यहाँ पे कोई असेट आप चार्ज पे नहीं रख सकते. क्लियर. देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस.
अब इंटरेस्ट देना इज एन एक्सपेंस, आप बोलोगे मैम ये एडवांटेज कैसे हुआ? इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस तो खर्चा है, तो ये तो डिसएडवांटेज होना चाहिए। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है बेटा, बट यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या है? देखो जब आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, एक्सपेंस है, मैं बोलूंगी यहाँ पे 10 लाख का क्या हो गया मेरा प्रॉफिट है, राइट? 10 लाख का मेरा प्रॉफिट आ रहा है विदाउट गिविंग इंटरेस्ट। जब मैंने 10 लाख में से 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्ट किया तो क्या हुआ, 8 लाख हो गए। पहले मुझे टैक्स देना पड़ रहा था 10 लाख पे, जब मैंने इंटरेस्ट को डिडक्ट नहीं किया, और जब मैंने 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्ट किया तो कितना बचा, 8 लाख। तो अब मुझे टैक्स किस पे देना है, 8 लाख पे। ये आपको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि इस केस में आपको ये बेनिफिट है कि आपका टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। पहले आप टैक्स दे रहे थे 10 लाख पे, और अब किस पे दोगे, 8 लाख पे। ये बेनिफिट आपको यहां मिलेगा। क्या शेयर्स में मैंने आप लोग को बताया था कि डिविडेंड हम प्रॉफिट से डिडक्ट करके टैक्स देंगे? नहीं, क्योंकि उसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। टैक्स देने के बाद आप डिविडेंड पे करते हो, आप टैक्स देने के बाद डिविडेंड पे करते हो, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट का डिडक्शन हो जाएगा, उसके बाद टैक्स का पेमेंट होता है। सो ये बेनिफिट हुआ। तो अब समझ में आया इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस यहाँ एडवांटेज कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है इस सोर्स के, इसीलिए इसने टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एज एन एडवांटेज दिया है। क्लियर? एंड लास्ट इज यूज एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्यों? क्योंकि बेटा पब्लिक डिपॉजिट्स हम शॉर्ट टर्म के लिए ही ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले सकते, तो ये आप एज अ वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया, कोई भी एक्सपेंस है, छोटा मोटा ऑफिस एक्सपेंस हो गया, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर है बेटा? तो ये सब हमने क्या देखे, ये सब हमने एडवांटेजेस देखे ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, दैट इज easy to receive finance, less expense, assets do not have charge, interest is an expense, and fifth is uses working capital. Okay? Now limitations. अब advantage है तो limitations तो होना ही। क्या है limitations? The first one is uncertainty. Uncertainty में मतलब क्या हो गया कि certain नहीं है। क्या ऐसा है जब मुझे पैसा चाहिए लोग आ गए देने के लिए, जब मैंने अनाउंस किया कि मुझे पैसों की जरूरत है लोग आ जाएंगे देने? नहीं, ये कोई सर्टन नहीं है कि मुझे जब पैसा चाहिए लोगों के पास इतना पैसा हो या उनका मूड हो इन्वेस्ट करने का, तो मैं इस पे डिपेंड नहीं रह सकती। मैं इस पे डिपेंड नहीं रह सकती। एक बार मैं बैंक से लोन कभी भी ले सकती हूँ, लेकिन क्या मैं पब्लिक डिपॉजिट पे भरोसा कर सकती हूँ कि जब मुझे चाहिए लोग पैसा देंगे मुझे? नहीं देंगे। इसीलिए ये हमारा एक डिसएडवांटेज है कि ये एक अनसर्टेनिटी है। क्लियर? नेक्स्ट इज इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स। इनसिक्योरिटी मतलब इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स बेटा, कि मैंने आपको बोला पब्लिक डिपॉजिट्स के अंदर कभी भी हम सिक्योरिटी पे असेट्स नहीं दे सकते, इतने लोग हैं किस किस को हम देंगे? तो इस केस के अंदर जब सिक्योरिटी जैसा यहाँ कुछ नहीं है तो इन्वेस्टर्स को भी डर लगेगा यार कंपनी पैसा दे पाएगी या नहीं वापस, रहेगा ना? तो इसीलिए उन लोगों को इनसिक्योरिटी रहेगा, और जब उनको रिस्क है, इनसिक्योरिटी है, तो वो लोग जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लोग कब कहां क्यों इन्वेस्ट करते हैं, हम जाके बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं? क्योंकि हमें रिस्क नहीं है। जहां पे लोगों को कंफर्टेबल नहीं है, जहां पे लोगों को सेफ्टी नहीं है बेटा, वहां पे लोग जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम अपनी ही बात कर लेते हैं, क्या हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं। जहां हमें पता है हमारे पैसे नहीं डूबेंगे, हम वहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो वही चीज ये है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी रहेगी इन्वेस्टर्स को। देन नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड्स। ऑब्वियसली वही बात है कि यहाँ पे क्या है, कंपनी जब अच्छा कमा रही है तो कोई भी पैसा दे देगा, कंपनी जब बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है कोई भी दे देगा, बट प्रॉब्लम कब आएगी, जब कंपनी के पास पैसा नहीं है, कब, जब कंपनी की सिचुएशन खराब है। अगर मैंने भी कहीं डिपॉजिट करके रखा है तो उनकी सिचुएशन बिगड़ेगी, वैसे ही मैं क्या करूंगी, मैं मेरा पैसा विड्रॉ कर लूंगी, तो क्या मतलब हुआ ऐसे का? जब कंपनी अच्छी चल रही है, उनके पास ऑलरेडी इतना अच्छा प्रॉफिट है, तो सब आएंगे देने के लिए, लेकिन जब कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, उन्हें एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, तब हम हमारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें डर है हमारा पैसा नहीं डूब जाए। तो वही चीज वो बोल रहा है, ये एक तरीके से लिमिटेशन है, राइट? देन लास्ट इज डिफिकल्ट फॉर न्यू एंड वीक कंपनीज। ऑब्वियसली न्यू एंड वीक कंपनीज,
क्या हम जाके न्यू कंपनीज में कभी इन्वेस्ट करेंगे? कभी हम वहां जाके डिपॉजिट्स करेंगे? जो कंपनी ऑलरेडी वीक चल रही है, क्या मैं वहां जाके करूंगी डिपॉजिट? नहीं करूंगी। तो वो लोग पब्लिक डिपॉजिट का फायदा कभी नहीं उठा सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक है और हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? ये सारी लिमिटेशंस है, दैट इज अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी रहेगी इन्वेस्टर्स को, फेयर वेदर फ्रेंड्स है, एंड डिफिकल्ट फॉर न्यू एंड वीक कंपनीज। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है बेटा? जब हम बोलते हैं कभी हमें कोई भी कंपनी को जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए और लार्ज अमाउंट में पैसा दे देती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो हम बोलते हैं करोड़ में आपको क्या देगी? फंड दे देगी। आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपको इतना लार्ज अमाउंट नहीं देगी और फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं देती है। जैसे ये आपको 40 इयर्स 50 इयर्स के लिए भी इंस्टीट्यूशंस पैसा दे देगी, लेकिन बैंक नहीं देती। क्यों? क्योंकि बैंक को डर रहता है कि वापस देगा या नहीं इंसान। 30 इयर्स के एज में आप जाओगे बैंक के पास, बोलोगे कि हमें 30 इयर्स के लिए फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंक को रिस्क लगेगा कि 30 साल के बाद ये 60 का हो जाएगा और 60 के बाद रिटायर हो जाएगा, पैसा देगा या नहीं। तो वो चीज हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपका ऐसा केस नहीं होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको जितना पैसा चाहिए, जितना फंड चाहिए, वो आपको ये प्रोवाइड करेगी, और जितने टर्म के लिए चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैं बोल सकती हूँ करोड़ में आपको फंड प्रोवाइड करती है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लार्ज अमाउंट में पैसा देगी, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देगी। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बेटा क्या होता है? मोटिव होता है कि हाँ, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करना है, मतलब कि इकोनॉमी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है इंस्टीट्यूशंस? पैसा देती है इंडस्ट्रीज को, दे दिया। ये एक मोटिव के लिए ओपन होती है इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए हुई है, इंडस्ट्रीज को पैसा देगी, एडुकेशन के लिए हुई है, उनको पैसा देगी, तो इनका एक मोटिव रहता है, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इनके कुछ फंक्शंस है। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेटा डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट बैंक। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं देती है, ये बाकी दूसरी चीजें भी करती है, दूसरे फंक्शंस भी आपको प्रोवाइड करेगी। कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करती है? दैट वन, फर्स्ट वन, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बाइंग शेयर्स। मतलब जो मैंने यार स्टार्टिंग में बताया था कि इक्विटी शेयर्स कंपनी जब इश्यू करती है तो कम से कम 80% उनके एक्सेप्टेंस होना चाहिए पब्लिक इशू का। तो ऐसे केस में जब हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी ने अगर इशू किए शेयर्स, तो 80% नहीं 70% ही सेल हुए, तो उस केस के अंदर वो 10% जो शेयर्स रहते हैं वो कौन ले लेता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है। तो ये इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब फाइनेंस फॉर बाइंग शेयर्स। कोई और अगर नहीं लेता है तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये शेयर्स बाय कर लेती है। तो ये फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। सेकेंड, प्रोवाइड फाइनेंस बाय गिविंग लोन। ये तो हमें पता ही है कि ये तो मेन ऑब्जेक्टिव ही इसका यही है कि क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करती है। देन थर्ड वन, हेल्प थ्रू डायरेक्ट पेमेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, कोई भी टेक्नोलॉजी सर्विसेज अगर लेनी है कंपनीज को, तो उस केस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ठीक हैवी एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं। क्या करेगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट पेमेंट कर देगी, और उस केस के अंदर कंपनी के पास जब पैसा आएगा तो कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे देगी। तो इस तरीके की सर्विस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड गारंटी। अब प्रोवाइड गारंटी मतलब हम बोलते हैं गारंटर होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज के लिए गारंटर बन जाता है, और कहीं से भी पैसा रेस करना हो उस केस में हेल्प करता है कि मैं गारंटी देता हूं कि ये कंपनी जो है वो वापस पैसा दे देगी, और अगर नहीं देगी तो उस केस में मैं उसके बिहाफ में पैसा दूंगा। तो ये इस तरीके की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट इज अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट हम बोल सकते हैं, या हम मार्केट रिसर्च बोल सकते हैं। ऐसी कोई भी सर्विस अगर कंपनीज को चाहिए तो कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो ये हमने 5 टाइप ऑफ फंक्शंस देखे। दैट इज फर्स्ट वन, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बाइंग शेयर, प्रोवाइड फाइनेंस बाय गिविंग लोन, हेल्प थ्रू डायरेक्ट पेमेंट फॉर द टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, प्रोवाइड गारंटीज एंड अदर सर्विसेज। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब जहां हम क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं।
राइट बैंक्स हमें हेल्प करती है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए पैसा हमें रेज करती है। कभी भी अगर कंपनीज को पैसों की जरूरत है तो हम बैंक के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, पैसा ले सकते हैं। जो हमें सबको ही पता है कि हम बहुत बार लेते हैं बैंक से हम पैसा रेज करते हैं। अब बैंक क्या करती है, तीन टाइप के हमें लोन देती है। दैट इज हम बोलते हैं फर्स्ट वन इज लोन, सेकेंड वन हम बात करते हैं सीसी दैट इज कैश क्रेडिट, एंड थर्ड इज ओवरड्राफ्ट। ये थ्री टाइप्स के लोन बैंक प्रोवाइड करती है। लोन क्या हो गया, जो हम बोलते हैं नॉर्मली अगर हम लोग को लोन चाहिए रहता है उस केस के अंदर हम बैंक के पास जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, राइट। तो हमें बैंक लोन देती है। लेकिन क्या हमें बैंक ऐसे ही लोन दे देगी, क्या मैं जाऊंगी मेरा चेहरा देख के क्या लोन दे सकती है बैंक? नहीं, बैंक क्या मांगेगी आपसे, कोई ना कोई सिक्योरिटी पे असेट मांगेगी। ऐसे ही बैंक पैसा नहीं देगी। और अगर हम बोल सकते हैं हाँ मेरा ऑलरेडी वहां पे अच्छा अकाउंट है जिसमें अच्छा खासा पैसा है, तो हाँ वो अकाउंट स्टेटमेंट को देख के हमें पैसा दे सकती है। नहीं तो हम बोलते हैं कि लोन ऐसे ही बैंक नहीं देगी, कोई ना कोई चीज वो सिक्योरिटीज पे रख के ही हमें पैसा प्रोवाइड करेगी, दैट इज लोन। देन कैश क्रेडिट्स। अब कैश क्रेडिट्स क्या होता है, कैश क्रेडिट्स मतलब कैश हमें पता है पैसा, ठीक है मनी हम बोलते हैं, और क्रेडिट मतलब उधार, जो हम बोलते हैं उधारी पे देना। तो कैश क्रेडिट्स का मतलब ये होता है बेटा, जब हम बोलते हैं कि हमें पैसों की जरूरत है तो हम बैंक के पास गए, हमने कहा हमारा एक सीसी अकाउंट आप ओपन करो, सीसी मतलब कैश क्रेडिट, ठीक है। तो अब हमारा एक सीसी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब उस केस के अंदर मुझे बैंक क्या देगी, मैंने कहा मुझे 10 लाख का मेरा सीसी अकाउंट ओपन करवाना है, तो उस केस में बैंक मुझे 10 लाख की लिमिट दे देगा। क्या दे देगा, 10 लाख की लिमिट दे देगा। अब उस केस में मैं जहां भी चाहूं उस कैश क्रेडिट अकाउंट को यूज कर सकती हूं, मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है। 10 लाख तक मैं उस अकाउंट में से पैसा ले सकती हूँ, जहां चाहूं मैं यूज कर सकती हूँ। इस केस के अंदर पैसा मैंने लिया और फिर मुझे रिपेमेंट करना पड़ेगा, पैसा लिया, इसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता कि 10 लाख रुपए आपको इतने टाइम में यूज करना है या इतने टाइम में रिपे करना है, नो कंडीशंस। मैंने 1 लाख रुपए उठाए, थोड़े टाइम बाद मैं वापस रिपे कर दूंगी, फिर मैंने 1 लाख उठाया, फिर मैंने रिपे कर दिया, इस तरीके से ये कंडीशंस चलती रहती है। बस इसमें भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड कैश क्रेडिट्स हमें ऐसे ही नहीं मिलता, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पे असेट्स रखने पड़ते हैं। जनरली यहाँ पे सिक्योरिटी पे स्टॉक रखा जाता है, ठीक है। तो स्टॉक को सिक्योरिटी पे रखा जाएगा और उस केस में बैंक हमें एक सीसी अकाउंट ओपन कर देगा, राइट। तो ये क्या हो गया, हमें कैश क्रेडिट्स पे मिल गए, हमें कैश उधार पे मिल गए एक लिमिट तक, दैट इज कैश क्रेडिट। एंड लास्ट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखो ओवरड्राफ्ट में हम बोलते हैं जैसे मेरे अकाउंट में बैलेंस है 10 लाख का बैलेंस है, लेकिन जब मैं ओडी अकाउंट ओपन कराती हूँ तो उस केस में मेरा 10 लाख का मुझे यहाँ पे 12 लाख की लिमिट मिल गई। मीन्स समझ लो अर्जेंसी केस आता है कि मुझे मेरे कोई मुझे पेमेंट करना है 11 लाख का मुझे पेमेंट करना है किसी को चेक का, अब मेरे अकाउंट में 10 लाख है, बट अगर मैंने ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाया है तो उस केस के अंदर मैं 11 लाख का चेक भी अगर उसको बना के दे दूं तो वो क्या होगा, बाउंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरा अकाउंट ओडी है, राइट मेरा ओडी अकाउंट है। तो उस केस के अंदर 10 लाख के अमाउंट डिपॉजिट था, बट मैंने ओडी अकाउंट खुलवाया तो 2 लाख का मुझे यहाँ पे लिमिट मिल गया। ऑब्वियसली वो ओडी अकाउंट पे आपको जो भी अमाउंट मिला है उस पे आपको इंटरेस्ट तो चार्ज हो गई, बट ये इसके अंदर डिफरेंस है सीसी और ओडी में। सीसी में हमारा कोई भी बैलेंस नहीं रहता है, सारा पैसा एक तरीके का लोन रहता है, दैट इज सीसी। मेरे पास मेरा खुद का पैसा कुछ नहीं रहता, पूरा अमाउंट लोन है। और ओडी में मेरे पास पैसा रहता है बट कुछ अमाउंट मुझे यहाँ पे लोन में मिल जाती है, दैट इज ओडी एंड सीसी, ठीक है। आई थिंक क्लियर है बेटा। तो ये तीन तरीके की सर्विसेज जो बैंक देता है, लोन, ओडी एंड सीसी, क्लियर। देन ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट्स क्या है बेटा, जब हम बोलते हैं ट्रेड मतलब बिजनेस, ट्रेडिंग करना, परचेज सेल करना, बिजनेस, एंड क्रेडिट मतलब उधारी, मतलब जब मैं परचेज कर रही हूँ गुड्स को, परचेज सेल कर रही हूँ, तो उस केस के अंदर क्या है, मुझे 15 डेज का टाइम दे दिया, 15 डेज बाद पेमेंट कर देना। तो ये क्या हो गया, मुझे परचेज मैंने परचेज कर लिया और मुझे क्रेडिट पे आधा 15 दिन का टाइम मिल गया कि मैं पेमेंट इमीडिएट नहीं करके 15 दिन के बाद कर लूं। तो ये क्या हो गया, मुझे ट्रेड क्रेडिट मिल गया कि मुझे उधारी पे माल मिल गया, राइट। अब 15 डेज के बाद मैं पेमेंट कर दूंगी, दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। तो अब मुझे इमीडिएट जो पेमेंट नहीं करना पड़ा वो पैसा बच गया और वो पैसे से मैं अपना वर्किंग कैपिटल, अपना बिजनेस कर सकती हूँ, राइट। तो ये है ट्रेड क्रेडिट्स। नाउ लास्ट इज आईसीडी, दैट इज इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं कॉर्पोरेट,
एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में डिपॉजिट्स मतलब आईसीडी। जब बोलते हैं एक कंपनी को दूसरी कंपनी से पैसा चाहिए, एक कंपनी दूसरी कंपनी से जब पैसा रेज कर सकती है उसे बोला जाता है इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये जनरली ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं किया जाता है। एक कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है फंड की, वो दूसरे कंपनी से फंड रेज कर सकती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये था अपना आईसीडी। तो हमने ये बहुत सारे सोर्सेस इसके अंदर देख लिए। नाउ लास्ट वन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। जो हमने अभी तक पढ़ा है वही चीज मैं बता रही हूँ आपको, ये टेबल के थ्रू इसमें डिफरेंस हमें दिया रहेगा। दैट इज फर्स्ट वन मीनिंग ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। क्या डिफरेंस था इन दोनों में बेटा? जो ओनर फंड था वो कहां से क्रिएट हुआ था? इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर से क्रिएट हुआ। और बोरोड फंड जो हम बोलते हैं आउटसाइडर से हमें जो पैसा मिला, दैट इज बोरोड फंड, जो बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया, दैट इज बोरोड फंड। नेक्स्ट हमने देखा सोर्स, तो ओनर्स फंड का हमने सोर्स देखा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस रिटेन प्रॉफिट, और वही बोरोड फंड का बॉन्ड्स हो गया, लोन हो गया, बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब सोर्स हो गए। नेक्स्ट इज रिटर्न। रिटर्न हम बोलते हैं ओनर्स फंड में फिक्स रहता है, डिविडेंड फिक्स है नहीं है, बट बोरोड फंड में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या यहाँ पे फिक्स रहती है? नहीं फिक्स रहती ओनर्स फंड में, बट रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे क्या है? फिक्स रहती है। एंड लास्ट वन, दैट इज रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो ओनर्स फंड में एट लास्ट होता है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये हमने देखा था। लेकिन अगर हम बोरोड फंड की बात करें तो इनको सबसे पहले दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइडर्स है, राइट? तो ये हमारा था डिफरेंस, दैट इज बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, मीनिंग सोर्स, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, तो आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो गए हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आई थिंक सब लोगों को समझ में आया। बेटा कोई भी इश्यू है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है, सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो आप कि मुझे ये मैम नहीं समझ में आया, सो आई विल मेक यू और क्लियर करूंगी मैं वो चीज को। ओके, सो वापस मिलते हैं हम विद द नेक्स्ट टॉपिक सून। ओके बेटा, बाय।